साहब हमारे लड़का के बहुत दिन से ऐसा सब जने मिल के बहुत हत्या करी ला हमारे बाजो अरे मार बाजो कहीं से तो चली गई ला हम ये बताइए नहीं साहब आज सारी भर छह महीना जो परवी है ऐसो कवरियम नहीं परवी है कवरियम भाईला कवरिया कुआ दो तीन दिन के आगे कहाँ मिली थी उसकी लाश लाश मिलल हाट नदी में। देखिए इसमें मुकदमा लिखा गया था, मुकदमा लिखने के बाद इन्वेस्टिगेशन के दौरान साक्ष्य के अभाव में अंतिम रिपोर्ट न्यायालय प्रेषित की जा चुकी थी। न्यायालय में इसने प्रोटेस्ट दायर किया जिसमें इसके प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया गया और माननीय न्यायालय के आदेश से अग्रिम विवेचना का फिर से आदेश हुआ है। अब जो न्यायालय का आदेश है ये जैसे ही अगर थाने में प्राप्त हो गया होगा तो उसमें किसी सक्षम व्यक्ति से इसकी पुनः विवेचना कराई जाएगी और निष्पक्षता से विवेचना करने के बाद उस पर जो भी निष्कर्ष आएगा उस पर हम कार्रवाई कराएंगे। सर मेरा कहना है कि जब बॉडी रिकवर हुई तो उसके शरीर पर गंभीर चोट के निशान थे लेकिन मेडिकल रिपोर्ट में कहीं ऐसी कोई। अब वो चीज़ तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जो चीज़ आएगा पीएम रिपोर्ट पंचनामा और साक्ष्य इन सब के आधार पर विवेचना होती है। इसने अपनी बात पुलिस के सामने भी कहा है न्यायालय के सामने भी कहा है। अंतिम निर्णय इनका होगा, जो भी पुलिस ने विवेचना के दौरान साक्ष्य पाए हैं उसे न्यायालय के समक्ष पेश किया जाएगा। न्यायालय संतुष्ट के बाद कोई भी निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र है और इसको न्याय मिलेगा, न्यायालय के समक्ष जाएगी। जो भी विवेचना में आउटपुट आएगा उसे न्यायालय भेजा जाएगा। सर इसके पहले दो बार विवेचना हुई, अगर जो साक्ष्य निकल के सामने आते हैं अगर उसमें दोषी होता है तो क्या जाँच करता है उनके ऊपर भी कार्रवाई होगी? नहीं, न्यायालय ने ऐसी कोई टिप्पणी नहीं किया है, उसने मात्र अग्रिम विवेचना के लिए आदेश दिया है। अब फैक्ट देखना पड़ेगा कि कौन से तथ्य हैं जिसके कारण से अंतिम रिपोर्ट लगाई जाती है और उस पूरे तथ्य की बिना समीक्षा किए वादी की बात कितनी सही है, उसके पक्ष में कितने साक्ष्य हैं, तभी बताया जा सकता है।